अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है स्टार्च का। स्टार्च के अंदर हमारे पास दो तरह की लिंकेजेस पाई जाती हैं, एक अमाइलोस और अमाइलोपेक्टिन, ठीक है ना। अमाइलोस जो होती है, इसमें जो हमारे पास सीधी सीधी जो सीधी चेन होती है वो हमारे पास कहलाती है अमाइलोस। अमाइलोस के अंदर हमारे पास 1,4 लिंकेज होती है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है हमारे पास, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है जो स्ट्रेट चेन होती है, तो उसको हम कहते हैं अमाइलोस। और जब हमारे पास ब्रांच चेन आती है स्टार्च के अंदर, वो हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, वो हमारे पास कहलाती है अमाइलोपेक्टिन। तो हमारे पास अमाइलोस जो होती है, अमाइलोस कन्फिग्रेशन या जो स्ट्रेट हमारे पास चेन होती है वो कहलाती है 1,4, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बनती है हमारे पास। और हमारे पास जो ब्रांच होती है अमाइलोपेक्टिन, वो बनती है 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ठीक है। हमारे पास सेल्युलोज है, सेल्युलोज हमारे पास एक स्ट्रेट चेन रिपीटेड ग्लूकोज मोइटीज हमारे पास होती है, ठीक है। स्टार्च भी पूरा प्योरली हमारे पास ग्लूकोज का बना हुआ होता है। हमारे पास जो सेल्यूलोज है वो भी प्योरली ग्लूकोज का बने हुए होते हैं, सब डिपेंड करता है वो किस तरह से अटैच हुए हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, हमारे पास लिविंग के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की क्या अहमियत है हमारे पास, हम ये पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। अच्छा, हमारे पास बेसिकली हमारे पास एनर्जी स्टोर्स फ्यूज इन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनका काम एक ही होता है, क्या, एज अ फ्यूल। हमारे पास जो बॉडी का ईंधन होता है, जो बॉडी का फ्यूल होता है, सही, जिससे हमारे पास जो लाइफ होती है वो चलती है, उसको एनर्जी चाहिए। एनर्जी उसको बेसिकली कहाँ से मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से, जो प्राइमरी सोर्स होती है, जो पहली तरजीह होती है बॉडी की एनर्जी लेने के लिए एक लिविंग बॉडी की, वो होती है कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इसको जो होता है तोड़ना या इसको मेटाबोलाइज करना बहुत आसान होता है, ठीक है ना। तो एनर्जी स्टोर्स की तरह से भी काम करता है। हमारे पास जो एक्सेसिव होता है तो उसको हम एनर्जी स्टोर, बाद में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइबोज एंड डी ऑक्सी राइबोज फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चरल नेटवर्क ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए, सही है, जो हमारा बेसिक हेरिडिटी मटेरियल होता है जिससे हमारी पहचान होती है किसी भी एनिमल की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पहचान होती है वो उसके डीएनए से होती है। जो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हमारे पास दो दो तरह की शुगर्स होती हैं, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस, ठीक है ना। राइबोस हमारे पास डीएनए में होती है और डीऑक्सी राइबोस हमारे पास आरएनए में होती है। ये हमारा जो बेसिक जो हमारे पास बेसिक लाइफ की जो फॉर्म है, दैट इज डीएनए, वो बना रही होती है, ठीक है। तो वो उसके स्ट्रक्चर में होती है, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी। एज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट, हमारे पास स्ट्रक्चर एलिमेंट होती है हमारे पास सेल्यूलोस इन प्लांट, काइटिन एंड आर्थ्रोपोड्स। हमारे पास सेल्यूलोस की फॉर्म में ये सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। और हमारे पास काइटिन इन आर्थ्रोपोड्स, हमारे पास आर्थ्रोपोड जो होते हैं, जो इनकी बॉडी होती है इसके ऊपर एक कवरिंग होती है, इनका जो स्केलेटन होता है वो ऊपर होता है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो इनकी बॉडी को शेप दे रहा होता है वो काइटिन का बना होता है। काइटिन की जो हमारे पास होता है उसके स्ट्रक्चर के अंदर पॉलीसेकेराइड्स होते हैं, तो ये एज अ स्ट्रक्चर एलिमेंट भी हमारे पास हमें काम दे रही होती है। सो ये दे आर लिंक टू मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, एज ग्लाइको प्रोटीन्स एंड ग्लाइको लिपिड, दे प्ले इंपॉर्टेंट की रोल इन सेल सेल कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन बिटवीन सेल एंड अदर एलिमेंट्स इन द सेलुलर एनवायरमेंट। हमारे पास ये जो होते हैं ये दूसरे बायो मॉलिक्यूल से मिलके कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, सही है ना। जिस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलके ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स मिलके ग्लाइको लिपिड्स बनाते हैं। और ये क्या करते हैं, हमारे पास सेल सेल कम्युनिकेशन में आपस में कम्युनिकेशन करते हैं सेल थ्रू दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। और ये हमारे पास सारी इंपॉर्टेंस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की इन लाइफ, ठीक है। जो हमारे पास नेक्स्ट बायो मॉलिक्यूल है, दैट इज अमीनो एसिड। अमीनो एसिड इटसेल्फ इज अ मोनोमर, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड्स आर बाय फंक्शनल कंपाउंड्स। बाय फंक्शनल का मतलब क्या है, इसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, कंटेनिंग बोथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड बेसिक अमीनो ग्रुप। तो इसके अंदर दो ग्रुप होते हैं हमारे पास, अमीनो एसिड में हमारे पास दो ग्रुप होते हैं,
बाय फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कौन से दो ग्रुप हैं? एक हमारे पास क्या है, कार्बोक्सैलिक एसिडिक ग्रुप, ठीक है, और हमारे पास बेसिक अमीनो ग्रुप। जो हमारे पास अमाइन ग्रुप है वो बेसिक होता है, कार्बोक्सैलिक एसिड एसिडिक ग्रुप होता है, तो उसके अंदर दो ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास में एसिडिक ग्रुप भी होता है और बेसिक ग्रुप भी होता है, तो ये हमारे पास होते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है। और एक जो इसका स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप देख सकते हैं, एक अमीनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है और एक कार्बोक्सैलिक ग्रुप है, और ये आर है। हमारे पास बेसिक जो जनरल फॉर्मूला है जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास अमीनो एसिड्स का, वो ये है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से कैसे डिफर करता है, ये आर चेन। जब ये आर चेन की जगह हमारे पास अलग अलग हमारे पास मॉइटीज लगी हुई होती हैं, अलग अलग हमारे पास जो है वो चेन्स लगी हुई होती है, हाइड्रोकार्बन चेन लगी हुई होती है, जो आइडेंटिटी बताती है अमीनो एसिड की, ठीक है। अच्छा, हमारे पास अमीनो एसिड के अंदर जब दोनों ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सैलिक ग्रुप एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो ये एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है, डुअल नेचर है, इसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी भी होगी और बेसिक प्रॉपर्टी भी होगी, ठीक है। अच्छा, अमीनो एसिड में भी अल्फा बीटा और गामा अमीनो एसिड, हमारे पास जो अमीनो एसिड होते हैं वो अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, गामा भी हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो प्राइमरी होता है, वो हमारे पास कार्बोक्सैलिक एसिड सी ओ ओ एच होता है, ठीक है। सी ओ ओ एच ग्रुप ये एक फंक्शनल ग्रुप है, जिससे अटैच होता है वो अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन बराबर वाला बीटा होता है, उसके बराबर वाला गैमा होता है, ये आप सब पहले पढ़ते हुए आ चुके हैं पुराने चैप्टर्स के अंदर, ठीक है ना। जब हमारे पास अमाइन ग्रुप अल्फा कार्बन पर अटैच होता है तो वो क्या आता है, अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है ना। जब हमारे पास अमाइन ग्रुप अल्फा से अटैच होता है, या मतलब अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से अटैच होते हैं, तो हमारे पास वो कहलाते हैं अल्फा कार्बन, सही, अल्फा अमीनो एसिड। जब हमारे पास जो होता है वो बीटा कार्बन से अटैच होता है हमारा अमाइन ग्रुप, तो वो कहलाता है बीटा अमीनो एसिड, ठीक है ना। और जब हमारे पास गैमा से अटैच होता है तो हमारे पास क्या कहलाता है, गैमा अमीनो एसिड, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जिस जिस पोजीशन पे हमारा अमाइन ग्रुप होता है उसी हिसाब से इसको हम नाम देते हैं, अल्फा बीटा या गामा, ठीक है। हमारे पास टोटल जो नंबर होता है अमीनो एसिड के जो दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, दैट आर 20, ठीक है। 20 अमीनो एसिड दुनिया में हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, विच कंबाइन इन डिफरेंट वेज टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन। हमारे पास ये अलग अलग तरह से कंबाइन होते हैं और अलग अलग तरह के प्रोटीन्स बना रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो अमीनो एसिड है वो खुद क्या है, वो खुद मोनोमर्स हैं, किसके, प्रोटीन्स के। क्लासिफिकेशन देखी जाए अगर हमारे पास अमीनो एसिड की, अब दीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ अमीनो एसिड, हमारे पास कैसी नेचर है अमीनो एसिड की उस हिसाब से क्लासिफाई होते हैं, विच आर एज फॉलोज। हमारे पास अमीनो एसिड जो है वो चार तीन तरह के हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर, या तो वो एसिडिक नेचर के होंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएंगे, या तो वो बेसिक नेचर के होंगे वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएंगे, या वो हमारे पास जो होंगे वो न्यूट्रल नेचर के होंगे तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएंगे। तो हम किस बेसिस पे इनको एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कह रहे होते हैं, चलिए देखते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड हमारे पास क्या होते हैं, एसिडिक अमीनो कंटेन वन बेसिक ग्रुप एंड मोर देन वन एसिडिक ग्रुप। आपको पता है हमारे पास अमीनो एसिड का भी आप पहले स्ट्रक्चर देख के आ चुके हैं, तो इसके अंदर एक अमाइन ग्रुप NH2 होता है जो बेसिक होता है, और COOH होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। जब हमारे पास एक बेसिक ग्रुप हो, सही है, और ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो, या हमारे पास कम बेसिक ग्रुप हो और ज्यादा एसिडिक ग्रुप हो, तो जो अमीनो एसिड होगा उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टी आएगी, तो वो कहलाते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, ठीक है। तो एसिडिक अमीनो एसिड हमारे पास एस्पार्टेट और ग्लूटामेट, ये दो एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास किसकी भाई, एसिडिक अमीनो एसिड्स की, सही है। जब हमारे पास एक अमाइन ग्रुप हो, एक बेसिक हो और ज्यादा हमारे पास एसिडिक ग्रुप हो, बेसिक अमीनो एसिड क्या होता है, जब हमारे पास अमीनो एसिड कंटेनिंग वन एसिडिक ग्रुप एंड मोर देन वन बेसिक ग्रुप आर नोन एज बेसिक अमीनो एसिड। बेसिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड जिसके अंदर सिर्फ एक एसिडिक ग्रुप हो और एक से ज्यादा बेसिक ग्रुप हो, जो अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप कहलाता है, तो वो हमारे पास कहलाते हैं, उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी ज्यादा नजर आएगी, बेसिक। एग्जाम्पल है लाइसीन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, ये एग्जाम्पल्स हमारे पास बेसिक अमीनो एसिड्स।
देन वी हैव न्यूट्रल अमीनो एसिड्स. न्यूट्रल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, जिसमें अमीनो एसिड कंटेनिंग वन एसिडिक ग्रुप एंड वन बेसिक ग्रुप. हमारे पास जिसमें इक्वल नंबर ऑफ एसिडिक और बेसिक ग्रुप हों, जितने एसिडिक है उतने बेसिक ग्रुप हों, जैसे एक एसिडिक है तो एक ही बेसिक ग्रुप होगा, तो वो हमारे पास कहलाते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड. ऐसे ऐसे अमीनो एसिड को कहते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड. एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास एलनीन, वेलिन और ग्लाइसिन. ठीक है, ये तीन हमारे पास हैं अमीनो एसिड. अच्छा, ये अभी हम मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स में नाम ले रहा हूँ, एलनीन, वेलिन, ग्लाइसिन, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट. ये कैसे होते हैं अभी हम थोड़ा आगे जाके इनको देखेंगे इन स्ट्रक्चर. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा वी हैव असेंशियल अमीनो एसिड्स. असेंशियल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड दैट कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आर बॉडी आर नोन एज असेंशियल अमीनो या अमाइनो एसिड. दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द नर्वस सिस्टम. दे मस्ट बी सप्लाइड टू आर बॉडी थ्रू आर डाइट. देयर डेफिशिएंसी मे रिजल्ट इन मैनी डिजीज. ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती या खुद बना नहीं सकती, तो वो कहलाते हैं हमारे पास असेंशियल अमीनो एसिड. ये हमें डाइट से लेने हो, या तो हम फूड से लें या तो हम किसी सप्लीमेंट से लें. ठीक है, डाइटरी सप्लीमेंट से लें. इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है ग्रोथ में, बॉडी की ग्रोथ में, और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, हमारी नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनका काम होता है. और कोई डेफिशिएंसी हुई या अगर इनके इनके लेवल्स में बॉडी के अंदर कमी हो जाती है, तो हमारे पास कोई हमें डिजीज नज़र आ रहे होते हैं. अच्छा, हमारे पास अबाउट 10 अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल. हमारे पास 10 अमीनो एसिड जो एसेंशियल हैं, जिनके यहाँ पे आपको नाम नज़र आ रहे हैं, आर्जिनिन, वैलिन, लाइसिन, फिनोलएलानिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, थ्रियोनिन, मिथानोइन, ट्रिप्टोफैन एंड हिस्टिडीन. ये हमारे पास जो है 10 अमीनो एसिड हैं, जो कि क्या है, हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड हैं, जो कि बॉडी खुद नहीं बना सकती, तो हमें डाइट या कोई सप्लीमेंट लेके देने पड़ते.